I'm leaving my hometown Ballasa, and right now I'm going to Hyderabad. बताता हूँ अभी क्या क्या जर्नी है मुझे, ये थोड़ा सा समय दीजिए. अभी रात के 9 बजे हैं और मैं दिन का शिफ्ट करके आने के बाद आई एम ब्लॉगिंग एंड आई एम कैचिंग ए ट्रेन टिल हैदराबाद. अगर सब अगर सब कुछ अच्छा रहा, ठीक है, देन 4 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा हैदराबाद कल सुबह. एंड मोस्ट प्रोबेबली आगे की जर्नी भी कंटिन्यू हो जाएगी. आपको पता है कैसा चलता है मेरा ब्लॉग, तो कीप अप विद मी. और अभी जाता हूँ, आराम करता हूँ, ठीक है, कल सुबह मिलते हैं. जर्नी एग्जैक्टली स्टार्ट हो गया. अभी तो सिर्फ होम टाउन छोड़ा है मैंने. आफ्टर रीचिंग हैदराबाद द मेन जर्नी विल स्टार्ट. ओके, तो प्लान तो प्रॉपर है, बट यू नो मेरा तो आपको पता है ना, ऐसा डाउनलोड होता होता है, नथिंग इज वेरी सर्टन. सो होप फॉर द बेस्ट. एंड अभी के लिए सोता हूँ यार, बहुत चिट चैट कर रहा हूँ, मुझे नींद भी नहीं पड़ रही. तो फाइनली हैदराबाद, 5 AM, थोड़ा ट्रेन लेट हो गई. अभी थोड़ा फ्रेशन अप होता हूँ क्योंकि रात भर ऐसी था. पहले मुंह धो लूँगा, ब्रशेस कर लूँगा, देन खाते हैं कुछ खाना. जुगाड़ करना पड़ता है यार, अगर आपको थोड़ा सा अगर प्लानिंग करके चलना है और अगर पहुंचना है जल्दी तो थोड़ा रेडी भी होना पड़ता है, खाना पीना भी पड़ता है. तो अभी चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ. एग्जैक्टली मुझे जाना है बस स्टैंड, ठीक है, JBS जुबली बस स्टैंड इन हैदराबाद. तो यहाँ से 4 किलोमीटर बता रहा है, पहले कुछ छूस लेते हैं एंड देन वी विल गो टू द जुबली बस स्टैंड. ओके, तो प्लानिंग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेट्स सी वहाँ से कोई बस वस वगैरह मिल जाए तो. बट होप फॉर द बेस्ट. अभी जाता हूँ, कुछ पूछता हूँ यार. तो दिस इज द हैदराबाद बस स्टैंड. ओके, हैदराबाद डेक्कन, ये पहली बार आया हूँ मैं. सिकंदराबाद एंड काचीगुड़ा बहुत बार आता हूँ, बट हैदराबाद बस स्टैंड फर्स्ट टाइम. अभी के लिए देखता हूँ ना, मेरा जुगाड़ पहले तो ये होता है, ऑटो पोटो तो ही देखता हूँ मैं. पहले मैं देखता हूँ कि सरकारी बस क्या मिल जाएगी, वो बहुत सस्ते में पहुँचा देती है. एक्चुअली क्या होता है ना, बड़े और मेजर बस स्टैंड थोड़ा सा पास में ही होते हैं. सो होप या सी बस स्टैंड. बस स्टैंड मेरे को जाना है यार, जल्दी से जल्दी. बस स्टैंड थोड़ा दूर है, 4 किलोमीटर. दिखा तो रहा है मैप, अब देखते हैं कितना लेता है. पहले तो वहाँ पहुँचते हैं यार. ये सुकून. सिकंदराबाद बस स्टैंड. ओह हो रहा मेरा फेवरेट होटल अल्फा. अभी यहाँ से पकड़ेंगे हम JBMS के लिए बस. यहाँ का फेवरेट होटल, यहाँ पे मैं मतलब मैंने होटलिंग की शुरुआत यहीं से की थी.
इतना अच्छा यहाँ पे बिरयानी एंड ऑल मिलता है, पर मैं खा नहीं सकता क्योंकि मैं जा रहा हूँ शिवरात्रि के लिए। तो नेक्स्ट टाइम चेंज हो टू प्लान, वो कह रहे हैं उधर से ही मिलेगी स्टेशन के पास ही, और मैं इधर आ गया थोड़ा सा। हाँ लेट्स गो, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। हम आ चुके हैं अपनी फेवरेट पद यात्रा पे, अभी यहाँ से और शायद पता नहीं कितना वॉकिंग डिस्टेंस है MG बस स्टैंड के लिए, मैं पहुँच के बताता हूँ आपको, है नहीं। ओके यार, मतलब सुबह से ना घूम ही जा रहा हूँ हैदराबाद, कभी कभी ना उतना भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। घुमा दिया भाई, सिकंदराबाद घुमा दिया एंड देन वापस वही रूट पे आ गया मैं। यस फाइनली MG बस स्टैंड, और भाई चला जाए, बैठा जाए, निकला जाए, ठीक है। मतलब घूम ही जा रहा हूँ यार, होप ये वाला सही हो जाए, ठीक है। आई गेट अ बस, थोड़ी लंबी जर्नी है 6 आवर्स की यहाँ से हैदराबाद से, बट इट विल बी अ वर्थ इट बिकॉज ट्रेन वेन वगैरह नहीं मिल रहा था मुझे, तो आई थॉट बुक अ बस ऑनली। बस भी बहुत ट्रैवल किए, बहुत दिन हो गया और खर्चा भी उतना ही लग रहा था, तो मोर ऑर लेस सेम है, और मुझे एग्जैक्ट स्पॉट पे पहुँचा देगा तो इट्स गुड। तो अभी भी निकलते हैं। अरे मैं यहाँ पे आया हूँ भी पहले भी यार, ये तो जगह मैं बहुत बार आया हूँ, मतलब जी यार मैं भूल जाता हूँ ना, बहुत सारी जगह घूमता तो भूल जाता हूँ। तो अभी के लिए पता करते हैं कहाँ है मेरी बस और निकलते हैं ना इसके लिए श्रीशैलम। थैंक यू, Finally, I got the bus. Yeah. Shut up! Shut up!
Krishna temple, that there is a dam which produces electricity. After long 8 hours, finally we have reached the front. Don't know if you can see or not. छोटी छोटी कार्स दिख रही होगी आपको, आ रही है और आप देखिए उतने दूर से ऐसा घूम के एंड कमिंग ऐसा आके फिर यहाँ से ऐसा आ रहा है। मैंने लगा नहीं था साउथ इंडिया में इतने पहाड़ भी हो गया। हाँ ठीक है, गुड, एंजॉय। अब थोड़ा मज़ा आ रहा है, बोला तो भाई 7-8 घंटे से ऐसे बीते कि बस बस बीत ही गए थे। Worth it. Every penny of this bus is worth it. 370 rupees लिया इसने, बट भाई साहब उतना लगा भी रहा है उतना लेके भी जा रहा है। मैं अपने व्हीकल से आता ना खूब ज़्यादा पूरे पैसे 2-3 हज़ार तो आराम से, बट ठीक है बस भी ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि सब लोग तो जा रहे हैं यहाँ से और कुछ आ रहे हैं यहाँ से, मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि मैं जाऊँ कहाँ पर। तो मैं भी जा रहा हूँ उनके साथ ही साथ, और पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अभी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है एंड हाउ इट इज़ गोइंग एंड ऑल। हाँ बड़ा सा डॉर्मेट्री है, देखते हैं क्या है। कमेटी की तरफ से ही है। मतलब सोने होने के लिए ठीक है यार, अभी तो प्लान सोने का नहीं है, अभी प्लान है एक्सप्लोर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि और कुछ ऐसा छूट ना जाए मेरे से यहाँ पे। ठीक है फिर रात को प्लानिंग करेंगे, क्योंकि रात को मैं सोच रहा हूँ कि 12 बजे से लाइन लगा ली जाए कि सुबह तक दर्शन हो जाए यार। ठीक है कि कल शिवरात्रि है, आज 17 तारीख है, तो होप फॉर द बेस्ट। ये कुछ पाटला गंगा सा लिखा हुआ है एक्सप्लोर, अभी तो एक्सप्लोर करने के लिए पूरा दिन ही है, वाई नॉट एक्सप्लोर। एंड कल के दिन का जो शेड्यूल है वही 12 बजे से रात में निकला जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली दर्शन हो जाएगा। थैंक यू अन्ना, ये अन्ना ने मेरे को हेल्प किया बताने में कि 12 बजे से निकल जाना रात में तो 4 बजे तक तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे। अभी जाके कोई मतलब भी नहीं क्योंकि आज शिवरात्रि नहीं है, कल है। तो अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या क्या मिल जाए देखने के लिए। ठीक है सभी लोग जा रहे हैं, पता नहीं और कितना दूर जाना है, बट आई एम एंजॉयिंग इट। सबको रेडी होना, भाई शिवरात्रि है, कोई उंगा पोंगा त्यौहार तो है नहीं, सब रेडी होंगे। या दिस इज कॉल्ड पाटला गंगा, ये कृष्णा रिवर है एक्चुअली, जो हमने देखा था आते समय जब हम आ रहे थे। एंड पीपल कम हियर एंड टेक बाथ नेचुरली, यू कैन सी। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन बट पीपल कम हियर एंड टेक बाथ, कोई कोई तो साबुन भी लगा रहा है। हाँ
लेट्स मूव ऑन, पता नहीं और आगे क्या क्या होगा, तो अभी यहाँ हम चलते हैं। नाउ यू कैन फील एवरी स्टेप। डाउन हिल में पता नहीं चलता है, अप हिल में ना पता चल जाता है। मैनी प्लेसेस हियर खाना मतलब प्रसाद फ्री प्रोवाइड किया जाता है ये समय में, तो अभी जाके मैं भी थोड़ा खा लेता हूँ ये मिल रहा है, उसके बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, अब भूखा हूँ बहुत। सो लेट्स गो। Delicious. Moving on from that crib to great prasad, आगे बढ़ते हुए आगे चुके देख ही लेते हैं, कल के लिए प्रिपेयर भी हो जाएगा, आज भी पता चल जाएगा कि भाई दर्शन कहाँ से जाना ही है अपने, है ना, चल के देख ही लेते हैं। अभी मैं बस प्रिपरेटरी देख ले रहा हूँ कि कैसा है ना, क्योंकि देखना भी ज़रूरी है, देखिए बोलना आपके दर्शन। ये आप सोच रहे होंगे जगह का नाम मल्लिकार्जुन क्यों है, ओके श्री सैलम मल्लिकार्जुन, ओके। तो यही एक ऐसी इंडिया में जगह है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है, लाइक आप जो देखते हैं ना दोनों रूप महादेव और पार्वती एक में है, ठीक है, वो यही रूप यही ये मंदिर में दिखाया जाएगा। लाइक यू कैन सी टू छत्र देयर, ओके, दैट बोथ इज ऑफ, वन इज ऑफ माँ पार्वती एंड अदर इज ऑफ लॉर्ड शिवा। सो ओके दिस इज द फ्री दर्शन लाइन क्यू, और एक शीघ्र दर्शन होता है, अति शीघ्र भी होता है, आई डोंट नो अभी वो चालू है कि नहीं, टिकट मिल जाता है ना, इट्स गुड। अदरवाइज तो भाई साहब अपने को फ्री वाले में चलना पड़ेगा, ओके। मन में क्या चल रहा है मालूम है, फ्री वाला तो है ही है नो डाउट, ठीक है, बट मैं सोच रहा हूँ अगर ये 200 वाला टिकट मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। मैं 200 वाला ऑनलाइन देखा था पर मिला नहीं मुझे, तो अभी ना लोकल से पूछ के चलते हैं कि 200 वाला कहाँ मिल जाएगा, ओके। तो अभी के लिए ना मैं देख लेता हूँ, थोड़ा खोज लेता हूँ कहाँ पे ये टिकट वगैरह मिलता है, ऑनलाइन तो नहीं था, ऑनलाइन तो पूरा फुल हो गया था, अब कल के लिए देख लेते हैं। इसी कहते हैं फ्री प्लानिंग, भाई भीड़ तो देखो यार, आई मीन मतलब सॉरी इतनी भीड़, मैं हाँ चलो आई गॉट इट, यहाँ से अपना शीघ्र अति शीघ्र वाले का दर्शन का क्यू लाइन, ओके लेट्स होप मिल जाए। जम गया लाइक ठीक है, कल सुबह आ जाएंगे यहाँ से 300 की टिकट लेके दर्शन भी कर जाएगा, अभी जाके घूम लेते हैं रेस्ट कर लेते हैं। ओह माय गॉड सीरियसली दिक्कत एक ही है अब साउथ में लैंग्वेज का, बस बाकी और कुछ नहीं है, पीपल लोग तो बड़े अच्छे हैं यार। हाँ भाई दिक्कत ये थी ना साला, ये ना बात क्या थी कि ऑनलाइन नहीं मिल रहा था, ऑनलाइन फुल था, तो आई थॉट अभी भी नहीं होगा, फ्री वाले में तो जाके भाई फंसना नहीं है, 200 वाले में जाएंगे ठीक है, और जल्दी दर्शन करके, हाँ जी कैमरा, तो जल्दी दर्शन करके निपटा देंगे
और देखेंगे कल सुबह सुबह कोई बस मिल जाए या 4:30 बजे की, यहाँ से निकल जाया जाएगा। ठीक है, ये दर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है फिलहाल। ठीक है, I don't know if you can see or not, but that is a mandir, very close view. कल रात में दिखेगा नहीं, इसे सोचा अभी आपको दिखा देता हूँ। ऑलवेज ब्यूटीफुल, ऑलवेज ब्यूटीफुल, मतलब शिव के जो ज्योतिर्लिंग स्पेशली जो मंदिर है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट होता है। अब तक गेड़ी मार लेते हैं थोड़ी सी, है ना भाई। इन लोग यार नंगे पैर आते हैं यार, सीरियसली मानना पड़ता है। मेरे से ना हो पाएगा, मेरा तो भाई एकदम बिना जूते के तो मैं रह ही ना पाऊँ। हाँ जी, कृपा करो। वो प्रॉबली कल के दर्शन हो जाए यार। ठीक है, चैनल पुश ऑन, देखते हैं कि अगर मैं अगर निकल सकता हूँ डायरेक्टली तिरुपति तो होप फॉर द बेस्ट। आप देख लीजिए मेरे तरह भटकना नहीं, सिंपल है। ये चौक पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ से चले जाओ डायरेक्टली आपको मंदिर मिल जाएगा। नो फर्स नथिंग, वो घूमने की जरूरत नहीं है, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई लैंडमार्क याद भी रखना है तो गणेश फूड कोर्ट याद रखिए, आपको क्लियरली पहुँच जाएगा। हर दिन इतनी भीड़ नहीं होगी, ये शिवरात्रि है इसलिए इतनी भीड़ है, हमेशा इतनी भीड़ नहीं होगी। ठीक है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज यार मुझे ना प्रिपेयर होना बहुत पसंद है। ठीक है, ऑलवेज मैं हमेशा प्रिपेयर होकर चलना पसंद करता हूँ, क्योंकि ना पोपट हो जाता है मेरा। अभी के लिए देखिए मैंने क्लियरली समझा दिया है पूरा, और चलते हैं निकलते हैं। मैं प्रसाद भी ले लेंगे, पर अभी के लिए ना रहने का जुगाड़ देख लेता हूँ, क्योंकि रात के 1 बजे तक तो रहना ही है मुझे कम से कम होटल में, तो वो देख लेता हूँ। ठीक है, और देख लेता हूँ आसपास कोई घूमने की जगह है तो पहले। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कुछ रोप क्या होता है, रोप वे टाइप का जो घूमने वाला खटोला टाइप का है, उसमें चल लेते हैं एक बार, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से पुश आउट करके डायरेक्ट डॉर्मेट्री में जाके रेस्ट करेंगे। डॉर्मेट्री याद है ना, मैं आपको दिखाया था, डॉर्मेट्री में जाके रेस्ट करेंगे। ठीक है, ओके, आई एम गोइंग टू दिस रोपवे वाला थिंग, जाके देखता हूँ क्या है, अगर अच्छा है तो भाई चला जाएगा फॉर श्योर, नहीं तो भाई डॉर्मेट्री में जाएंगे अपन, रेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि रात के कल 1 बजे जगना है, और फिर कोकोनट लेके अपना निकलना है, दर्शन करना है, एंड देन आगे के देखा जाएगा आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देख लेते हैं अभी क्या है। तो ठीक है, आई डोंट नो फॉर व्हाट, पताल गंगा लेके दिखाने लेके जा रहा है जो मैं पहले ही देख के आया हूँ, मेरे को तो वही लग रहा है। लेट्स सी, गोइंग टू दैट एंड पताल गंगा जो मैं जाके आया था। पताल गंगा जा रहा है कि ओ अन्ना, पताल गंगा जा रहा है क्या, ओनली पताल गंगा? Why should I go then? I already have. अब देखिए मेरी फटी क्यों है मालूम है, क्योंकि जब अपन गए थे याद है आपको वो किधर उज्जैन में, तो वो भी वहाँ पे ऐसा सदन जैसा बन के था, लाइक फॉर पीपल वो आर कमिंग फॉर दर्शन, इधर भी ऐसा बना हुआ है। ठीक है, एंड बाय द पॉपुलेशन वो आर आउटसाइड, यू कैन इमेजिन, टिकट तो होगा नहीं, और मैं कष्ट भी नहीं करूँगा टिकट पूछने का कि भाई रूम वूम अवेलेबल है कि नहीं है। पर फट मेरी इसलिए रही है ना कि कल सुबह मेरे को ना भाई जल्दी निकल के दर्शन कर ले नहीं कर लेना है, अदरवाइज वॉट विल हैपन कि ये जो पूरी भीड़ है ना वो कल का इंतज़ार कर रही है। अभी के लिए ना चलते हैं डोमेट्री में, ठीक है, अब मांगते हैं टिकट है कि नहीं अवेलेबल, एंड देन
रेस्ट वेस्ट करके कल के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। आपका क्या बोलना है? अरे आप बोलो, कमेंट में बोलो, ठीक है। अभी निकलते हैं भाई, अपना सेट हो रहा है, अपन चलते हैं डॉर्मेट्री में, ठीक है, और टिकट ले लेते हैं अपना, वरना क्या होगा कि अपन बैठे रह जाएंगे, टिकट फेल हो जाएंगे, ठीक है, ना अपन इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ठीक है भाई। बहुत मारा मारी है यार, बहुत मारा मारी है, फिर 5-10 मिनट बाद बताएंगे। फाइनली हाँ बोलो, चलेगा 100 रुपये दे दो। हो गया लॉकर वॉकर कुछ है? ये मेरा जुगाड़ है, अभी के लिए सिर्फ चटाई मिला है, एंड फ्रॉम लेटर ऑन आई विल गेट लाइक दिस गद्दास फ्रॉम हियर, और उस पर चिल फरमाया जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए चिल मारते हैं। आप सोचेंगे कि आज ही दर्शन कर लेना चाहिए था, फिर कल मैं दूसरी जगह भी या तिरुपति भी जा सकता था, ओके, क्योंकि तिरुपति यहाँ से 7-8 घंटे की दूरी पे है, तो आई थॉट कि मैं पुश करके, लिमिट पुश करके भी जा सकता था, बट द थिंग इज कल 18 तारीख है, कल शिवरात्रि है, और कल के दिन ही दर्शन करने में मज़ा है यार, क्योंकि कहते हैं कि शिव जी अपने सारे ज्योतिर्लिंगों में उस दिन समाते हैं, और उस दिन उनके दर्शन करना बहुत पवित्र होता है। सो आई एम नॉट टेकिंग एनी सेकेंड ऑप्शन एंड पर्टिकुलरली आई एम गोइंग फॉर दिस एंड इट हैज़ टू बी डन, सो नो डाउट इन दैट आई हैव टू गो। इसलिए मैं ज़्यादा लोभ और लालच भी नहीं लगा कि आज तिरुपति चले जाएंगे, आज 2-2 ब्लॉग जाएंगे, पुश इट फॉर लेटर, बट फॉर नाउ आई थिंक गोइंग फॉर दिस व्हाट यू से for this particular and enjoying this thing is very important. So it's cool now. I've got it. मतलब भैया ने जुगाड़ दे दिया। I am very thankful for Lord Shiva because इधर आवाज़ भाषा की तो समझ में नहीं आती नहीं है, और मैं थोड़ा डराना दिखता हूँ तो और लोग aggressive हो जाते हैं, तो उन्होंने help किया and I am here resting right now. I've got a good dormitory and I can sleep peacefully. I will get a locker. सामान वामान रख के मैं पीसफुली सो सकता हूँ, सो आई एम मोर देन हैप्पी, एंड मैं जाके बस अभी जुगाड़ करके खाना खाऊँगा, वही अपना लंगर वाला अच्छा काम है, एंड आफ्टर दैट 1-2 बजे निकला जाएगा दर्शन के लिए, 4-5 बजे दर्शन हो गए तो देखा जाएगा, कल बस के हिसाब से अगर बस मुझे मिल जाती है तिरुपति तक तो वेल एंड गुड, इफ़ नॉट देन देखा जाएगा दूसरा जुगाड़, जुगाड़ हर चीज़ का है, टेंशन मत लीजिए। जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक भीड़ है। ओ चलो बस स्टैंड चलते हैं, बस स्टैंड सामने ही है, वो उधर वाला दिख रहा होगा, चल के पूछ लेते हैं। मेरे को एक ना शॉल लेना था यार, दिक्कत क्या है ना, मतलब मतारी बोलती थी हमारी जब भी आप जाते हैं शिवरात्रि में पूजा पाठ करने के लिए, आप कोई भी मत्था भी टेक दो, कुछ भी करो, एक मंत्री गा दो, उस दिन कपड़ा अछूत और नया पहनना चाहिए, ठीक है। अछूत का मतलब ये है कि कभी वो पहना ना हो या तो पूरा साफ हो। अभी दिक्कत ये है कि मैंने सिर्फ एक येलो वाली टी शर्ट लाई है। अरे यार जो जीन्स है वो धोई हुई है, जीन्स लाई है मैंने, बट वो टी शर्ट एक ही लाई है, तो सोच रहा हूँ एक ऐसा स्कार्फ सा ले लूँ जो ऐसे लोग पहनते हैं ना, ऐसे ये लोग पहने हुए हैं, तो ऐसा पहन के ले लेता हूँ कि जैसे क्या है
करो तो फिर अच्छे से ही करो ना यार, है ना। तो होप के हो जाए फकिंग हेल्प। बस स्टैंड पे काले को जाते हैं, पूछते हैं कि मिल जाए तो तिरुपति के लिए, है ना। टुमारो मॉर्निंग नहीं इवनिंग इवनिंग इन द मॉर्निंग मॉर्निंग 12 PM 1 PM यस कि तिरुपति तक तो है बट थोड़ा लेट है, लाइक 2 PM से है। और इन्होंने कहा कि सुबह आके देख लो कि अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड है, है ना। तो आई एम प्लानिंग कि सुबह आ जाता हूँ मैं, ठीक है। एंड वहाँ से देखते हैं कि क्या और आगे डिस्कशन करके, क्योंकि सुबह आने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली है कि नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि है, आई विल लुक आफ्टर इट, ठीक है। पहले चलते हैं कुछ खा पी लेते हैं यार, भूख लगी है बहुत ज़ोर से, ठीक है। देन उसके बाद सोया जाएगा, 12 बजे उठ के डॉट निकलना है, नहा धो के एकदम, ठीक है। अभी चलते हैं खाना वाना टूट लेते हैं, देखते हैं कोई लंगर ही मिल जाए, सबसे बढ़िया तो लंगर ही होता। बैक अगेन अपने लंगर पे, लंगर ठूसते हैं वही निकलते हैं, सोना सोने चल निकलता हूँ और थोड़ा सा और काम है निकलता हूँ देखते हैं। यस आई एम बैक टू माय डॉर्मेट्री और भाई बस सोते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, अभी 2 बजे उठ मैं सोच रहा हूँ 1 बजे उठ जाऊँ, ठीक है। एंड बस 1 बजे उठ के अपना 2-3 बजे दर्शन हो जाएगा एंड देन आफ्टर दैट चाओ भाग जाएंगे यहाँ से, ठीक है। मोस्ट ऑफ ये चीज़ें अभी प्लेस में आ गई हैं बट द थिंग इज सब कुछ अभी प्लेस में नहीं है, ओके। तो कुछ कुछ प्लेस में लाना पड़ेगा और लगा पड़ा हूँ जुगाड़ में, मैं समझ लो जैसे हो जाता है मैं अपडेट करते रहूँगा। बट अभी के लिए देख रहे हैं ना, सब लोग पेल के सो रहे हैं और मैं ही बस जागा हुआ हूँ, 8:30 बज रहे हैं और 1 बजे उठ के बस निकल जाना है। चलो भाई, सबको गद्दे मिल चुके हैं, मुझे नहीं मिले क्योंकि मैं हो गया था यहाँ से फरार खाना वाना खाने के लिए। तो ठीक है चलता है यार, 4-5 घंटे सोने के लिए क्या इतना इशू करना, ठीक है कोई बात नहीं। अभी पता नहीं रात में लाइट बंद होगी कि नहीं, नहीं भी होगी तो सोना तो आई मुझे, क्योंकि मुझे मेरा शेड्यूल फॉलो करके चलना है, ठीक है। आई एम हैप्पी, बस इतना बोलूँगा, आई एम वेरी हैप्पी। कल का दिन अच्छा हो जाए, पर दर्शन हो जाए यार, मतलब मैं बताऊँ अगर दर्शन नहीं हो पाए ना, बस ये नहीं हो पाएगा, मतलब ये नहीं है, बस ये है कि भीड़ आप देखो मेरी थोड़ी सी फट रही है, दर्शन हो पाएंगे कि नहीं। बट आई एम वेरी पॉजिटिव, हो जाएंगे दर्शन, महाकाल की कृपा है। एंड अभी के लिए मैं सोता हूँ, ठीक है। वी कॉल इट अ नाइट और कल सुबह उठ के निकलते हैं, ठीक है। 1 बजे मैं भी अलार्म लगा लूँगा और पक्का उठ जाऊँगा, ठीक है। तो गुड नाइट यार, जस्ट वोक अप राइट नाउ, वन इन द मॉर्निंग एंड अभी जाके नहा के वो दर्शन के लिए चलते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बहुत दिनों तक याद रहेगा ये, मजा आ गया भाई।
as you can see, just अभी आया हूँ. बताता हूँ मैं कहाँ आया आपको थोड़ी देर में. मुझे अभी कपड़े चेंज कर लेने दिए. This is my look for the temple because I don't have any other dress. So I'm wearing this. I brought it in the evening. And so let me clarify you if you don't know already. Today is 18 February. Or आज महाशिवरात्रि है. जो जो नो नो महाशिवरात्रि कितना मायने रखता है हमारे लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंड ऑफ ऑल इज ये पर्टिकुलर मंदिर क्यों चूज किया मैंने. ओके, वाई पर्टिकुलरली दिस मल्लिकार्जुन श्रीशैलम. ओके, पर्टिकुलरली दिस मंदिर ओनली. I will tell you honestly because this is the only Jyotirlinga in the world where both Parvati and Shivji are viraje hue hain. Like Mallikarjun isliye kaha jata hai, Mallika jo aapke Shakti Peeth, ek Shakti Peeth yahan hai and Arjun Jyotirlinga, do Shri Salam ka Jyotirlinga. Okay, so dono idhar viraje hue hain aur Shivratri ka matlab bhi ye hota hai जो आज है मैरिज ऑफ द फर्स्ट कपल इन द वर्ल्ड. ओके, सो हम मेरा तो सौभाग्य है कि मैं इतने दूर भी पहुंच पाया. दर्शन एंड ऑल होना, एज यू कैन सी काफ़ी भीड़ है. दर्शन होना ना होना वो अलग की बात है. मैं इतना पहुंच गया, दूर से देख ही लिया, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है. एज ए हिंदी स्पीकर इन द रिमोटेस्ट एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, इट इज़ वेरी I felt like lucky. Okay, so that's not the issue. But अगर दर्शन हो रहा है तो और ही कुछ अलग ही बात होगी. So right now I'm just heading towards the Jyotirlinga and the Shakti Peeth both because marriage is today 18 February and I'm very happy. किसी भी दिन का मुझे इतना इंतज़ार नहीं होता है जो आज के दिन का है, क्योंकि इसका महत्व ही कुछ और है. इस दिन महाकाल खुश होते हैं. इज ऑलवेज हैप्पी बट पर्टिकुलरली टुडे. एंड आप भी खुश रहिए जो भी करते हैं उस चीज़ में, और महादेव कृपा करेंगे. I'll meet you जब मैं क्लॉक रूम में पहुँचूँगा, क्योंकि बैग है मेरे साथ में और जूते हैं, तो दोनों जमा करना है. Then we'll move on to that. Okay. ये वाली जो लाइन जा रही है फ्री एंट्री है भाई, अभी से ही भीड़ लगी है एकदम. मज़ा आ रहा है. अच्छा हुआ उड़ गया, वरना मैच रात 3-4 बजे निकला जाएगा. 2-3 बजे भीड़ लग गई है पूरा एकदम घचा घचा भाई. अभी ये पूछूंगा क्लॉक रूम सामने भी है, इधर तो बहुत भीड़ है यार. देखिए ना पूरा क्लॉक रूम भरा हुआ है. अभी चलते हैं, दिखा देता हूँ आपको. लेट्स गो एंड टेक द टिकट. निकला जाएगा अभी तो टिकट वाला ले लेते हैं. कल सुबह आया था तो ले नहीं पाया था, पर अभी सही मौका है. रात में दिन दिया नहीं था यार, बोला चलो अभी निकाल लेते हैं. चलिए
सोच रहा हूँ कि स्पेशल टिकट ले लूँ, क्योंकि ना कोई भरोसा नहीं है, भीड़ आप देख के बता सकते हैं बहुत भीड़ होगी, एंड आई एम नॉट प्लानिंग फॉर अनप्लान्ड थिंग. तो द थिंग इज इट्स ओके, टेक दैट 200 वाला है ना, एंड ले के बस निकल ही जाएंगे. ओके थैंक यू. तो मैं ले लेता हूँ टिकट है ना, और देखिए मिल रहा है सर, देख लेंगे. यप, जुगाड़ तो है सेट अभी, और ठीक लग रहा है, देखो अभी क्या होता है. बट लाइन भी है भाई, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 200 वाले में लाइन नहीं है, लाइन तो उसमें भी है. बट मैं बोला चलो यार ले ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फ्री विली जाने में कोई दिक्कत है. बट ये है कि थोड़ा सा रहेगा तो शॉर्ट ही रहेगा ना, कि भाई हो ही जाएगा दर्शन. मुझे यही डाउट है कि ना आज के दिन में दर्शन होना ही बहुत बड़ी बात है. तो आई एम प्लानिंग इट ऑल आउट. ओके लेट्स गो, अभी क्लॉक रूम में बैग रख देते हैं एंड देन निकलते हैं. अभी चलते हैं और क्लॉक रूम में बैग वगैरह जमा कर देते हैं, बिकॉज अभी ज़रूरी है. मैंने सारा टिकट विकेट तो ले लिया है, एंड प्रोबेबली शायद आपके दर्शन के बाद ही अब मुलाकात हो पाएगी. तो मेरे लिए शायद 4 घंटे का होगा, पर आपके लिए 4-5 सेकेंड का डिले है. तो नॉट टू वरी, आई विल बैक. दर्शन करने के बाद आपको बताता हूँ क्या माहौल रहा है. ओके वेट फॉर इट. डन एंड आई एम फीलिंग द प्लेस. सुबह के 4:30 बजे हैं एंड मैं हर बार बोलता हूँ हर एक ज्योतिर्लिंग निकलने से पहले कि कब आने का मौका मिले, पर महादेव हमेशा मुझे कृपा करे कि मैं हमेशा आ पाऊँ यहाँ पर, ठीक है. क्योंकि आई थिंक यहाँ पे आने के बाद अपने असली रूप में मुझे पहचान मिल जाती है. अच्छा हुआ फिलहाल में दिल्ली दर्शन हो गए, दर्शन हो गए सबसे बड़ी बात है, एंड आई एम हैप्पी फुलफिल. एंड अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा कहीं देख के, ठीक है, मैं बैठ जाऊँगा थोड़ी देर के लिए, एंड आई विल पुश ऑन तिरुपति आई गेस, बिकॉज अगर 6 बजे की भी बस मिल गई तो इट्स वेल एंड गुड. ओके सो आई एम प्लानिंग अकॉर्डिंग टू दैट. ओके अब थोड़ी सी भीड़ और बढ़ने लगी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. जिसको जिसको दर्शन मिलना है तो मिल ही जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है. बट यहाँ मज़ा आ गया है. ओके वन एक जुगाड़ हुआ है अभी. अभी मैं बताता हूँ मैं कौन सी बस में हूँ. फिर से एक बस पकड़ा है, सही शैलम से निकल चुका हूँ. अभी मैं जा रहा हूँ कुरनूल सिटी. कुरनूल सिटी भी आंध्र प्रदेश में ही है, बट द रीज़न फॉर गोइंग टू कुरनूल सिटी इज़ वहाँ से तिरुपति की ट्रेन है, वो भी रात के 11 बजे. तो ये बस मुझे उतारेगी दोपहर के 2 बजे, एंड देन कुरनूल भी एक्सप्लोर हो जाएगा, एंड देन रात के 11 बजे चढ़ के आपका तिरुपति भी पहुंच जाऊंगा कल सुबह 6 बजे. सो द प्लान इज़ ओके ओके, बट अगर सक्सेसफुल हो गया तो इट्स गुड, अदरवाइज भाई लॉस में रहूँगा मैं लगता है. तो यहाँ पे अगर मैं देखा जाए तो मैं बहुत आलसी हो रहा हूँ, सैलम तो हो गया, कुरनूल सिटी भी घूमना हो जाता है, एंड देन थर्ड तिरुपति. सो आई एम प्लानिंग इन दैट वे, क्योंकि अभी जो बस में चढ़ाऊँ ना, ये बस को जुगाड़ करके चढ़ाऊँ, ठीक है. शाम की 6 बजे की तिरुपति की बस है, बट मेरे पास तो समय नहीं है, अब समय इतना नहीं दे सकता हूँ मैं. सो आई एम थिंकिंग कि कुरनूल चले जाते हैं, कुरनूल का भी ब्लॉक हो जाएगा, एंड देन फ्रॉम देयर आई विल हॉप ऑन टू द ट्रेन, एंड रात के 11 बजे की सुबह मेरे को पहुंचा देगी तिरुपति, एंड देन देखा जाएगा तिरुपति से कैसा निकला जाएगा घंटे में, ठीक है. तो अभी प्लान लेट है, ठीक है, चलता हूँ.